जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IPL 2023 का 21वां महामुकाबला CSK और पंजाब किंग के बीच एम एच चिदंबर स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, जो कि CSK का होम ग्राउंड है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के शुरू होने से पहले ही इन दोनों ही टीमों से काफ़ी ज़्यादा खबरें निकल के सामने आई है। इन दोनों ही टीमों ने अपने प्लेइंग 11 में खूंखार बल्लेबाजों को शामिल किया है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि पिच रिपोर्ट, प्लेयर्स बैटल और इस मैच को कौन जीत सकता है, क्या इस मैच को CSK जीतेगी या जीतेगी पंजाब की टीम, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ चेन्नई सुपर किंग की टीम अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स जैसी मजबूत टीम के सामने हार के यहां पहुंची है, तो वही दोस्तों पंजाब किंग अपना पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी मजबूत टीम के सामने हार चुकी है। मतलब कि दोनों ही टीम अपना पिछला मुकाबला हार चुकी है और इस मुकाबले को जीतने के लिए ये दोनों ही टीम अपना पूरा जी जान लगाने वाली है। इसलिए तो आज का ये महामुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किसी भी मैच को जीतने के लिए पिच रिपोर्ट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह मैच एम एच चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, जो कि CSK का होम ग्राउंड है। बात करें एवरेज स्कोर की, तो जो है यहाँ पे 150 से लेकर 170 तक के आसपास का आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है। इस स्टेडियम में सबसे बड़ा स्कोर अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया है, जो है 246 रन का। इस स्टेडियम में अभी तक कुल 122 IPL मैच खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 64 मैच जीते हैं और बाद में बल्लेबाजी करने वाली ने 56 मैच जीते हैं। एम चिदम्बरम स्टेडियम के पिच पर स्पिन गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती है, क्योंकि स्पिनर्स की गेंद इस पिच पर घूमती है, इस वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कतें पैदा होती है। वहीं अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए, तो पिछला मुकाबला चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेला गया था, जिसमें गेंदबाजों का बोलबाला रहा था। वहीं लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम इस पिच पर आसानी से रन चढ़कर जीत दर्ज कर लेती है। दोस्तों, अब बात करें दोनों टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 की। तो इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़, कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, अंबाती रायडू, रविंद्र जाडेजा, MS धोनी, सिसांडा मंगना, महेश दीक्षाना, तुषार देशपांडे और आकाश सिंह जैसे खूंखार बल्लेबाज और गेंदबाज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो वही पंजाब किंग की ओर से अथर्व तेड, प्रभु सिमरन, मैथ्यू शॉट, हरप्रीत सिंह, रंजा, सैम कुरेन, जितेंद्र शर्मा, शाहरुख खान, रबाड़ा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह जैसे खूंखार बल्लेबाज और गेंदबाज खेलते हुए नजर आ सकते हैं।